कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 15वां सूत्र 18 अनुवाद। संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और होगा, तेरा बंध और मोक्ष नहीं है। तू कृत्य होकर सुखपूर्वक विचार। व्याख्या है, बंधन में तीन का होना आवश्यक है। एक जो बंधता है, दूसरा जिससे बांधा जाता है, तीसरा बांधने वाला। अज्ञानी जीव ही बंधन में है। संसार के प्रति उसकी आसक्ति, उसका मोह, उसकी वासना ही बंधन है, जिससे व्यक्ति अज्ञानवश स्वयं ही बंधता है। कोई उसे बांधने वाला नहीं है, कोई उसे बांधने वाला नहीं है। संसार कभी किसी को नहीं बांधता, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है। वह अपने को मन शरीर और अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा जान लेता है, जिससे सृष्टि और आत्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है, अज्ञान का पर्दा हट जाता है। फिर वही एक चैतन्य मात्र रह जाता है। जब एक ही है तो न बंधन है न मोक्ष। कौन किसको बांधे एवं कौन किसे मुक्त करे, इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा होने से इस संसार रूपी समुद्र में एक ही था और आगे भी एक ही रहेगा। संत अज्ञान वस्तु ने देहाध्यास के कारण अपने को चैतन्य आत्मा से भिन्न शरीर समझा था, यही तेरा बंधन है, यही तेरा बंधन था। अब न तेरा बंध है न मोक्ष है। तू कृत्य हो जा हो गया है। अब सुखपूर्वक विचार। आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है, आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है, उसका बंध है ही नहीं। भ्रांति थी सो मिट गई, उसका बंध है ही नहीं, भ्रांति थी सो मिट गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण।